नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा अमोल पालेकर का है। 24 नवंबर को वेटरन बॉलीवुड एक्टर अमोल पालेकर का जन्मदिन होता है। अभी वो एक पेंटर की जिंदगी गुजार रहे हैं और उनका कहना है कि पेंटिंग ही दरअसल उनका पहला प्यार था। उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर की शुरुआत बतौर पेंटर ही की थी। वो अक्सर कहते रहे कि मैं प्रशिक्षण पाकर पेंटर बना, दुर्घटनावश मैं एक्टर बन गया, मजबूरी में प्रोड्यूसर बना और अपनी पसंद से डायरेक्टर बना। 1970 के दशक में अमोल पालेकर की बॉलीवुड में अपनी एक पहचान थी, शायद इसलिए कि वो काफी सोच समझ कर फिल्में करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो 10 में से 9 फिल्में रिजेक्ट कर देते हैं। 1970 के दशक में बासु चटर्जी अमोल पालेकर की जोड़ी वैसी ही बन गई जैसे उसी दौर में मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की बनी थी। उन्होंने कैमरे के पीछे भी गजब की क्रिएटिविटी दिखाई। आकृत थोड़ा सा रोमानी हो जाए, दायरा, कैरी, पहेली, ये वो फिल्में थीं, या फिर कच्ची धूप, नकाब, मृगनैनी जैसे टीवी सीरियल जिसमें उनका कमाल का डायरेक्शन दिखा। महाराष्ट्र के एक साधारण परिवार में जन्मे अमोल पालेकर ने बैंक में क्लर्क की नौकरी भी की थी। उनकी दो बड़ी और एक छोटी बहन थी। परिवार का फिल्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। स्कूल कॉलेज के दिनों तक अमोल ने कभी नाटक तक नहीं किया था। उनके पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, माँ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। ग्रेजुएशन के बाद अमोल ने भी बैंक ऑफ इंडिया में 8 साल तक नौकरी की। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मेरी शुरुआत 3 फिल्में शुरुआत की सिल्वर जुबली हिट हो गईं, तब मेरे लिए नौकरी छोड़ना एकदम आसान हो गया था। अमोल पालेकर की गर्लफ्रेंड थिएटर में दिलचस्पी रखती थी। जब वो थिएटर में रिहर्सल के लिए जाती तो अमोल वहां पर उनका इंतजार किया करते और इसी सिलसिले में एक दिन थिएटर में सत्यदेव दुबे की नजर अमोल पर पड़ी। दुबे ने उन्हें एक मराठी नाटक शांताता को चालू आहे में ब्रेक दिया। इस नाटक को काफी अच्छा रिव्यू मिला और इसके बाद सत्यदेव दुबे ने अमोल से कहा कि अब जब लोगों ने इसे गंभीरता से लिया है तो उन्हें भी एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगले नाटक के लिए उन्होंने अमोल को कड़ी ट्रेनिंग दी और इस तरह नाटकों में एक्टिंग का सिलसिला काफी आगे बढ़ गया। अमोल पालेकर शुरू से तड़क भड़क से दूर रहने वाले लोगों में से थे। वो ऑटोग्राफ देने से भी मना कर दिया करते थे। उनकी छोटी बेटी इसके लिए उन्हें डांटती भी रहती। अमोल ने 2 शादियां की। पहली पत्नी चित्रा पालेकर से बेटी शलमाली हुई और वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। संध्या गोखले से हुई बेटी का नाम उन्होंने समीहा रखा। उन्होंने कानून की पढ़ाई की है और 10 साल न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करने के बाद आजकल सोशल वर्क करती हैं और अमोल पालेकर कहते हैं कि वो अब सिर्फ एक पेंटर हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।